नमस्कार दोस्त, आपके चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज फिर से एक बार बात करेंगे NSDL पाम आईडी के ऊपर। मैंने इसके ऊपर काफी बार क्लियरिटी करने की, आप लोगों को क्लियर करने की प्रयास किया है, इसके ऊपर क्लियरिटी देने की प्रयास किया है। बहुत लोगों ने समझा है, बहुत लोगों ने नहीं समझा है, पर जितना मैं समझाऊं ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, और कंप्यूटर है भी तो मैं कंप्यूटर से पेन नहीं बनाना चाहता हूँ, ऐसा सोच बहुत लोगों का है। और मैं इन चीज़ों को मानता भी हूँ, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं मोबाइल से ही वर्क करूँ। बहुत लोग फिर ऐसे भी है, नहीं पीसी से करूँ। जिनको पीसी से चाहिए था उनको पीसी से मैंने दे दिया, जिनको मोबाइल से चाहिए और ब्रांच आईडी चाहिए और उनका आईडी NSDL की साइट में शो भी होना है, उन लोगों के लिए एक और जबरदस्त चीज मैं लेके आया हूँ। जिनको जिनके पास कंप्यूटर है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उनके लिए एक आईडी है। आप मोबाइल से लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, फिर भी आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये आईडी उन्हीं के लिए, जो लोग सोचता है नहीं मैं सिर्फ मोबाइल और फिंगरप्रिंट डिवाइस से ही ब्रांच आईडी चलाऊंगा, फिंगरप्रिंट से पेन बनाऊंगा और फिंगरप्रिंट से पेन करेक्शन भी करूंगा, उनके लिए ये आईडी है। कंप्यूटर से उनका कोई काम नहीं है, कंप्यूटर में उनका कोई झंझट नहीं है। उनका वॉलेट उनके लिए अलग रहेंगे, मेरे वॉलेट के साथ उनकी वॉलेट कहानी ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका वॉलेट अलग रहेगा। उनके ब्रांच आईडी रहेंगे और उनके ब्रांच आईडी NSDL की साइट पे शो भी करेगा। ऐसा ही कुछ सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग अभी मोबाइल और फिंगरप्रिंट से EKYC के द्वारा पैन कार्ड करने के लिए आईडी हमसे ले सकते हैं। पहले मेरे पास सोल्यूशन था, अगर आप ब्रांच आईडी लेते हैं तो भी आपके पास कंप्यूटर होने की जरूरत है, अगर आप रिटेलर आईडी लेते हैं तो भी आपके पास कंप्यूटर रहना जरूरी है। कंप्यूटर से पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंप्यूटर से पहली बार लॉगिन करेंगे, फिर आप मोबाइल पे काम कर सकते हैं, ऐसा था ब्रांच आईडी। और रिटेलर आईडी में ऐसा कुछ भी नहीं था, सीधा कंप्यूटर और फिंगरप्रिंट से आपको काम करना था। फिर जो मेरे पास एक ऑप्शन था, आपको मैं मोबाइल वाला आईडी दे सकता हूँ, इसमें और एक दिक्कत था, उनको भी कंप्यूटर रहना जरूरी है और वॉलेट लोड में उनका दिक्कत, और दिक्कत वो लोग दिक्कत का सामना कर ही रहे थे। उनके लिए एक जबरदस्त सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि आप अभी विदाउट कंप्यूटर फिंगरप्रिंट डिवाइस से मोबाइल के द्वारा अपने कस्टमर का आप पैन कार्ड करा के दे सकते हो और ये ब्रांच आपके NSDL की साइट में शो भी करेगा। और इसका खर्चा मान लीजिए जो ब्रांच पहले दे रहे थे उससे आधा में आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा आईडी चाहिए कि वो मोबाइल और फिंगरप्रिंट से अपना ब्रांच आईडी चले, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके एक आईडी ले सकते हैं और उसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको इस तरह की आईडी चाहिए, लेट ना करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सीधे चले आइए मेरे व्हाट्सएप में और जान लीजिए क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा, क्या पेमेंट आपको करना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है देने पर, ये आईडी पे इस आईडी के लिए प्राइस सही रहेगा, तो ही लीजिए। मतलब जानना बहुत जरूरी है, पहले जान लीजिए फिर अगर अच्छा लगे तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप और भी किसी तरह की सब्जेक्ट्स को लेके इस फिनटेक की अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है टीम टेक सपोर्ट और एक दूसरा चैनल का नाम है टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल, उन दोनों टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, उस ग्रुप में भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं, उस फेसबुक में भी आप ऐड हो सकता है ताकि आप सारे अपडेट्स को सबसे पहले ले सके। कम से कम यूट्यूब से पहले तो आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल ही जाएंगे। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9555679996, जो कि मुझे लगता है आप सभी के पास है और आप अपनी सारी समस्याएं जो मुझसे हाल हो सकते उन समस्या को वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये अपडेट सभी के काम पे आएंगे, आशा करता हूँ ये अपडेट और थोड़ा एक स्टेप आगे चला जाएगा उन सारे रिटेलर के लिए जो लोग सिर्फ मोबाइल से ही अपनी दुकान को चला रहे हैं, जो लोग सिर्फ ज़्यादातर वर्क के लिए अपने मोबाइल को ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग AEPS, DMT, MicroATM इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए बखूबी अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पैन कार्ड का एक प्रॉब्लम है, UTI पैन कार्ड में मोबाइल का कोई फंक्शन ही नहीं है। NSDL में मोबाइल का फंक्शन था, पर वो फंक्शन के लिए आपको बहुत दिक्कतें करने पड़ती थी, पहले कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन करो फिर काम शुरू करो, इसका एक दिक्कत था। चलिए इसका भी सोल्यूशन अभी आ गया है, आप अभी अपने पास जो मोबाइल है उस मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, आप स्टार्टेक लगा सकते हैं, आप उस फिंगरप्रिंट डिवाइस में मंत्रा लगा सकते हैं, आप उस फिंगरप्रिंट डिवाइस में सिक्यूजन लगा सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे मंत्रा लगा सकते हैं। मंत्रा, मोरफो, स्टार्टेक, सिक्यूजन, ये चारों डिवाइस के द्वारा आप EKYC पैन कार्ड बना सकते हैं। EKYC पैन कार्ड में एक छोटा सा समस्या होते हैं जिसको मैं समस्या नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पैन कार्ड भी वैसा ही है।
ईकेवाईसी पैन कार्ड में एक चीज़ की कमी होता है, वो है कि सिग्नेचर नहीं आता है। और सिग्नेचर करने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ रहता है, जो पैन कार्ड आने के बाद कस्टमर को आपकी दुकान में लेके आना है। और किसी भी बुक स्टॉल में जाके अगर आप पूछेंगे भाई सीडी मार्कर दीजिए, तो सीडी मार्कर आप एक अपने पास खरीद के रखिए, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का। उस सीडी मार्कर से आप कस्टमर को कहिए कि आपने पैन कार्ड में उस व्हाइट वाला जो जगह है जो सिग्नेचर करने के लिए रखा गया है, वहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। फिर आपको कहीं पे भी नहीं रोकेगा, इस पैन कार्ड से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा कोई भी संस्था आपको ये नहीं कहेंगे, कोई भी बैंक आपको ये बात नहीं कहेगा। क्योंकि मैं खुद पिछले 6 या 7 साल से इस तरह का पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पे सिग्नेचर मैंने आने की बात किया है। लगभग वो मैंने 2015 या 16 में वो पैन कार्ड किया था, पहली बार NSDL से मैंने करेक्शन किया था। पहला तो मेरा NSDL से ही था, दोबारा जब किया मैंने करेक्शन तब सिग्नेचर नहीं आया। पहली बार शुरू हुआ था EKYC करेक्शन आधार OTP से। फिर तीसरी बार इस बार मैंने किया है 2022 को, जिसमें मैंने अपना फोटो को चेंज किया है, आधार कार्ड की जो फोटो उसके साथ मैच कराया है, इसमें भी सिग्नेचर नहीं। और इसी कार्ड से अब तक के सारे IDs, सारे बैंक अकाउंट, सारे काम उसी से हुए। सो कोई टेंशन नहीं, इस वाला आईडी से आप आराम से काम कर सकते हैं। और कस्टमर को समझा के दीजिएगा कि कहीं पे भी जमा करने से पहले वो अपने पैन कार्ड में सबसे पहले सिग्नेचर करा ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्द से जल्द चलिए इसका चैट बॉक्स में आ जाइए, मतलब डिटेल्स बॉक्स में आ जाइए, डिटेल्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आईडी के लिए बता दीजिए। और इसके साथ साथ इस तरह के वीडियो के साथ आप रेगुलर कनेक्टेड रहना, अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सबसे पहले सभी वीडियोस को देखने के लिए। आप तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।